द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 8:5। ठीक है, आपको रेशियो का, आपको इनकम का रेशियो दिया है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:1। और उनका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसका भी आपको क्या दिया है, रेशियो दिया है। ओके, तो वट वट इज, और आपको सेविंग्स दिए हैं। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹1,000 पर मंथ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम। बहुत आसान सवाल है, सी हियर। सपोज ए और बी वो दो लोग हैं, ठीक है। सो आपको इनकम ऑफ ए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई ए मतलब इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी, कितना दिया है, 8:5 दिया है आपको, ठीक है। आपको उनके एक्सपेंडिचर दिए हैं, एक्सपेंडिचर को मैं ई ए लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, आपको दिया है 2:1, ये भी आपको रेशियो में दिया है। अच्छा, सेविंग दोनों की सेम है, 1,000 पर मंथ, और सेविंग क्योंकि वैल्यूज में दिए, तो सेविंग ऑफ ए, एस ए लिखूंगा, सेविंग ऑफ ए इज 1,000, सेविंग ऑफ बी इज ऑल्सो 1,000। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अच्छा, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहां पर, ठीक है। आई विल सेंड इट्स पीडीएफ, डोंट वरी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इनकम इज नथिंग बट सी, अब आपको इनकम निकालनी है ना, यू हैव टू कैलकुलेट इनकम। तो आप इनकम का, सी आप इनकम का कॉमन मल्टीपल लीजिए, आप इनकम को वैल्यूज में चेंज करिए, आप एक्सपेंस को भी कर सकते हो, वैसे भी आंसर आ सकता है, बहुत ईजी है, ठीक है। दो इक्वेशंस बनेंगी, दो वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई, यू विल गेट द आंसर। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ आपसे, ओके, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इनकम का क्या लें, कॉमन मल्टीपल लें, क्योंकि आपको फाइनली इनकम ही निकालनी है और इनकम का भी डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर लेट कॉमन मल्टीपल, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स लेंगे, सो इनकम ऑफ ए आ जाएगी आपकी 8x और इनकम ऑफ बी आ जाएगी आपकी 5x, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास इनकम आ गई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, सेविंग्स तो वैल्यूज में दी है, एक्सपेंस आपको रेशियो में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे एक्सपेंस का, किस तरीके से, सी यहाँ पर इनकम होता है हमेशा एक्सपेंस प्लस सेविंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेरी इनकम है 10,000 और मेरे जो खर्चे हैं, एक्सपेंस है मेरे 7,000, तो मैं, मेरे कितने पैसे बचे होंगे, सेविंग मेरी कितनी होगी, 3,000। अरे इनकम से ही तो मैं खर्चा करूँगा, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि इनकम इज नथिंग बट एक्सपेंस प्लस सेविंग, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपेंस कितना जाएगा, एक्सपेंस विल नथिंग बट इनकम माइनस सेविंग। ओके, एक्सपेंस विल बी नथिंग बट इनकम माइनस सेविंग। तो अब मुझे क्या दिया है, व्हाट इज गिवन टू मी, मुझे रेशियो दिया है एक्सपेंस ऑफ ए अपॉन एक्सपेंस ऑफ बी का, ठीक है, कितना दिया है, 2:1 इज इक्वल टू 2/1 लिख लेता हूँ। अच्छा, एक्सपेंस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंस होता है इनकम माइनस सेविंग, सो एक्सपेंस ऑफ ए विल बी इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए अपॉन एक्सपेंस ऑफ बी विल बी इनकम ऑफ बी माइनस सेविंग ऑफ बी इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब इनकम ऑफ ए और सेविंग ऑफ ए तो वैल्यूज में दिए, इनकम ऑफ ए इज हाउ मच, 8x, सो 8x माइनस 1,000 अपॉन, क्योंकि सेविंग तो दोनों की सेम है, अपॉन इनकम ऑफ बी इज 5x माइनस 1,000 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 8x माइनस 1,000 इज इक्वल टू आ जाएगा 10x माइनस 2,000, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10x माइनस 2x विल गोइंग टू गिव मी 10x माइनस 8x विल गोइंग टू गिव मी 2x इज इक्वल टू 1,000, और x कितना जाएगा, 500। x 500 आ गया, तो इनकम का आपको डिफरेंस निकालना है, इनकम ऑफ ए कितना जाएगा, इनकम ऑफ ए 8x है, 8x है, सो इट विल बी 8 5 से 40, सो
सो इनकम ऑफ ए आ जाएगा 4000, इनकम ऑफ बी कितना है 5x, तो 5 × 5 ही आ जाएगा 2500। तो आपको डिफरेंस निकालना है इनकम ऑफ ए माइनस इनकम ऑफ बी, दैट विल बी नथिंग बट 1500 रुपीज़। ठीक है, दोनों का डिफरेंस तो निकालना है आपने। आप इसको एक्स एंड वाई लेकर भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं एक्सपेंस का भी टेक कॉमन मल्टीपल, लेकिन कॉमन मल्टीपल एक्स मत ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी इनकम के केस में यू हैव टेकन ऑलरेडी एक्स, तो यहाँ पर एक्सपेंस के केस में वाई ले लो। फिर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग की दो इक्वेशंस बन जाएंगी ए और बी की, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, यू विल गेट एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स चाहिए उस पर, क्योंकि एक्स आपने इनकम ले रखा है, इनकम निकालो, इनकम का डिफरेंस निकालो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ पर व्हाट वी डिड, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने कॉमन मल्टीपल एक्स क्यों लिया इनकम के केस में, क्योंकि हमें इनकम का डिफरेंस निकालना था। अगर बाय द वे मुझसे बोलता ना फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एक्सपेंस, तो मैं एक्सपेंस में कॉमन मल्टीपल लेता। ओके, यस, वी कैन ऑल्सो टेक वाई। ठीक है, हम लोग वाई लेकर भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन टेक वाई ऑल्सो। आप एक्सपेंस ऑफ ए और एक्सपेंस ऑफ बी को आप क्या ले लीजिए, यहाँ पर भी कॉमन मल्टीपल ले लीजिए वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू 2y और ई बी इज इक्वल टू 1y और y। फिर यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी 8x, क्योंकि आपको पता है ना इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। तो ए के केस में इनकम ऑफ ए विल बी 8x माइनस एक्सपेंस ऑफ बी विल बी 2y इज इक्वल टू 1000। एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन बन जाती है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 1000। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम। ओके, तभी भी आंसर वही आता। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते, सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो यह आ जाती, यहीं पर कर लेता हूँ, यह आ जाती 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 2000। ओके, अब इन दो इनको आप सब्ट्रैक्ट करते, साइन चेंज करते, यहाँ आता माइनस। ओके, यहाँ पर आता माइनस साइन, यहाँ पर आता प्लस, यहाँ पर आता माइनस। सो 10x माइनस 10y विल आता है यहाँ पर माइनस 2x, और ये 2y प्लस माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल जाता, और वहाँ पर आता माइनस 1000 माइनस 2000 आता माइनस 1000। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आता फिर से 500, वही तो आया था हमारा। ठीक है, बस फिर आप इनकम ऑफ ए में लगते रखते तो आंसर आ जाता। ठीक है।